हेलो दोस्तों, आज मेरे पास रियलमी C21 फ़ोन आया हुआ है, जो कि आप लोग देख सकते हैं। ये पूरा टूटा हुआ फ़ोन है। ये डिस्प्ले पर फोल्डर जो है उस पर लाइनिंग सारी बहुत सारी ये टूटा हुआ है। तो इसमें आज हम फोल्डर लगाएंगे विथ हड्डी लगाएंगे। जो भी फोल्डर जो होता है हमारा, जिसमें बैठाला जाता है, उसको हड्डी बोलते हैं। तो विथ हड्डी के साथ में इसको हम आज कंप्लीट करेंगे और न्यू बनाएंगे। सबसे पहले इसको हम खोल लेते हैं। खोलने के लिए जो है पीछे का बैक पैनल रिमूव करना पड़ेगा। तो चलिए हम इसको खोल लेते हैं पीछे से, और वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि हम आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे वीडियो लेकर आते हैं। और वीडियो को कटिंग नहीं करेंगे, पूरा वीडियो हम आपको दिखाएंगे एकदम लाइव। तो ये हम अब इसको ओपन करने जा रहे हैं। तो ये मेरे पास चाकू है, उसी की मदद से हम इसका जो पीछे का बैक पैनल है, इस तरीके से आप लोग लगाएं। रियलमी C20 और C21 ये दोनों सेम मॉडल होते हैं। तो इसमें जो है एक ही सामान पड़ जाता है, आप लोग देख सकते हैं इसकी मदद से। ये इस तरीके से जब भी आप लोग खोलें तो कृपया करके अच्छे से खोलेंगे, पीछे का बैक पैनल टूटने ना पाए। कोई चाकू वाकू या कोई कुछ ऐसी कड़ी चीज लें जिससे बैक पैनल जो है खुल जाए। कृपया करके वीडियो को पूरा देखना, तभी आप लोगों को समझ आएगा। तो हम पेंच खोल लेते हैं। सबसे पहले तो पेंच खोलेंगे, वीडियो को पूरा देखिए, तभी समझ में आएगा आप लोगों को। और लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, ये जो पैंच थे वो मैंने सब खोल लिए। अब इसका ये जो पीछे का एक छोटा सा ब्लैक कलर का ढक्कन लगा होता है, उसको हटा दिए। अब इसका सबसे पहले हम फिंगर को रिमूव करेंगे। इस तरीके से फिंगर को रिमूव करेंगे। तो ये मैंने फिंगर भी रिमूव कर दिया। अब इसमें जो है जो भी मार्केट से हम फोल्डर लेकर आए हैं लाए हैं, उसको एक बार लगा करके चेक करेंगे। ये हम मार्केट से फोल्डर लेकर आए हुए हैं। तो ये आप लोग देख सकते हैं, मार्केट से फोल्डर लेकर आए हैं, और इसमें हम लगा करके एक बार चेक जरूर करेंगे, देख लें अच्छी तरीके से वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो इसको हम थोड़ा जूम कर लेते हैं इस तरीके से, ऐसे। तो ये मैंने जूम कर लिया। इस तरीके से आप लोग जब भी फोल्डर को चेक करें तो कृपया उल्टा चेक करें, उल्टा लगा करके। ये हम रिमूव कर रहे हैं। पूरा वीडियो देखिए और लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, तभी आप लोगों को समझ में आएगा कि कैसे फोल्डर को लगाते हैं, चपकाते हैं, चेंज करते हैं। फोल्डर काम्बो ये सब एक ही चीज़ होती है। तो इस तरीके से हम इसको दाब लेंगे। दाबने के बाद में इसका जो पावर ऑन है, उसको हम पावर ऑन करेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं इसके जो, ये मैंने जो दाब दिए। अब इसका जो ऑन है उसको खोलेंगे। तो ऑन खोलने के लिए पावर बटन ये रही, ये आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से। ये 1 मिनट आप लोगों को हम दिखा लें। ये आया हुआ मेरा, और 1 मिनट इस तरीके से चेक कर रही। तो आप लोग देख सकते हैं ये यहाँ पास रियल में लिख करके आ गया है। ये इस तरीके से यहाँ पास ये लाइट लग रही है रियल में, आप लोग देख सकते हैं ये ऑन खुल रहा है। तो सबसे पहले हम फोल्डर को चेक करेंगे अच्छे से वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तभी इसको हम सेट करेंगे। तो ये मेरा पूरा पहले ऑन जो है खुल जाए, उसके बाद में हम चेक करके भी दिखाएंगे आप लोगों को। तो ये ऑन जो है खुल गया।
अब इस तरीके से हम इसका जो टच है चेक करेंगे, देख लीजिए आप लोग यहाँ पास चल रहा है और इसमें डबल टैप लगा है, इमरजेंसी चेक करेंगे। इमरजेंसी पर मैंने क्लिक कर दिया और इमरजेंसी से जो टच इसका हम चेक कर लेंगे, देख लेंगे अच्छे से वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो वर्क कर रहा है मेरा अच्छे से टच। तो अब हम इसको सबसे पहले इसकी जो बैटरी है वो रिमूव करेंगे, क्योंकि कुछ भी दिक्कत फॉल्ट ना होने पाए तभी के लिए सबसे पहले हम बैटरी को रिमूव करेंगे। तो बैटरी का जो पत्ता होता है वो मैंने रिमूव कर दिया। अब फोल्डर का ये जो कॉम्बो पैक है इसका रिमूव मैंने कर दिया ये इस तरीके से। तो अब हम इसको एक साइड में रख देते हैं क्योंकि ये फोल्डर मेरा जो है चेक हो गया। उसके बाद में आपको हम बताने वाले हैं ये जो हड्डी ओरिजिनल मिली है ये इसी में है, इसी में ही हम सब पूरा जो काम्बो है उसी को बैठा लेंगे। तो सबसे पहले ये जो पीछे का रिंगर डिब्बी होती इसके जो पेंच लगे हुए हैं वो हम खोलने जा रहे हैं। तो रिंगर डिब्बी के पेंच खोलने, तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं ये मैंने जो पेंच थे वो सब खोल लिए, ओपन कर लिए। अब रिंगर डिब्बी को हम रिमूव कर रहे हैं आराम से। तो ये आप लोग देख सकते हैं रिंगर डिब्बी भी अलग हो गई। अब इसका जो ये पत्ता लगा हुआ है फोल्डर से होकर आया हुआ, और ये इसका नेटवर्क वायर, ये रहा नेटवर्क वायर, ये इसको भी हम रिमूव कर लेंगे। और इसका जो चार्जिंग पीसीबी है प्लेट उसको भी हम रिमूव करेंगे इसी की मदद से, चाकू की मदद से। तो ये मैंने रिमूव कर लिया, अलग कर लिया। अब इसका जो ये वाइब्रेशन वाला है इसको भी रिमूव करेंगे। तो हम चिमटी की मदद से रिमूव करेंगे, आप लोग देख सकते हैं इसी की मदद से ही इसको रिमूव करेंगे आराम से। क्योंकि अगर ये ना भी रहा तब भी कोई दिक्कत नहीं, बस वाइब्रेट नहीं करेगा। तो इसको हम रिमूव कर रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं ये इस तरीके से मैंने इसको वो रिमूव कर लिया। अब इसका जो ये स्पीकर वाला लाइनिंग पत्ता है उसको भी हम रिमूव करेंगे। तो इसके लिए हम रेजर का इस्तेमाल करेंगे। कृपया करके वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, हम पूरा वीडियो आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कैसे सब चेंज किया जाता है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ये इस तरीके से। इस तरीके से हम इसको धीरे धीरे रिमूव करेंगे। ये रिमूव हो गया। तो अब हम इसकी जो बैटरी है उसको रिमूव करेंगे। तो सब पार्ट पहले हम रिमूव कर लेते हैं, बाद में एक साथ में धीरे धीरे लगाएंगे। तो रिमूव करने के लिए मार्केट में यंत्र छोटा सा मिल जाता है, उसी की मदद से हम बैटरी को रिमूव करेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से। कृपया करके जब भी आप लोग खोलें बैटरी तो अच्छे से खोलें, और या तो इसको पकड़ करके वहाँ से लें ये इस तरीके से। तो बैटरी भी रिमूव हो गई। तो अब इसका जो मदरबोर्ड है वो हम रिमूव करेंगे आप लोगों के सामने। जस्ट इसमें कोई पेंच लगे नहीं है, और ये मेरा नेटवर्क वायर भी साथ में आ रहा है, ये नेटवर्क वायर भी आ गए। अब इसका जो आना पत्ता है ये आप लोग देख सकते हैं, ये आना पत्ता है, इसको भी हम रिमूव करेंगे वो भी रेजर की मदद से। तो रिमूव हम करने जा रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से धीरे धीरे रिमूव करना, क्योंकि ये कटने ना पाए। मार्केट में मिल तो जाता है लेकिन ओजी मिलता नहीं है। इस तरीके से आराम से रिमूव करना आप लोग जब भी, इस तरीके से ये आप लोग देख सकते हैं। अब इसका जो पीछे वाला है वो भी हम रेजर की मदद से ही रिमूव करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा तभी आप लोगों को समझ में आएगा कि फोल्डर के साथ में भी हड्डी कैसे लगाते हैं। तो इसको हम रिमूव कर रहे हैं धीरे धीरे। कृपया वीडियो को पूरा देखिए तभी समझ में आएगा, और वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। इस तरीके से देख लीजिए आप लोग ये इस तरीके से
तो ये आप लोग देख सकते हैं, ये आना पत्ता भी हट गया है। ये अब इसमें जो जाली लगी हुई, ये जाली लगी, ये इसको हम उठाएंगे। तो सबसे पहले फोल्डर का जो आगे का हिस्सा है वो मुझे उठाना पड़ेगा इस हड्डी से। जाली निकाल लेते हैं। तो दोस्तों मैंने जाली भी रिमूव कर लिया। अब इसमें जो है सबसे पहले हम जाली को ही सेट करेंगे। ये रही हमारी छोटी सी जाली, वो इस तरीके से इसको हम सेट करेंगे। देखेंगे ये रहा इस तरीके से, 1 मिनट। ये कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब करेंगे जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे तो आप ही के पास में सबसे पहले नोटिफिकेशन आएगा। तो इस तरीके से इसको हम सेट करेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं ये जो, 1 मिनट, ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ये देख सकते हैं जी, मैंने इसको सेट कर दिया। अब इसका जो पीछे का रिंगर होता है, ये इसको हम यहाँ से पास जो है सेट करेंगे। सॉरी, इसका जो ग्लू है वो अच्छे से चपक नहीं पा रहा है, तो इसमें थोड़ा सा ग्लू लगाएंगे। तो ग्लू इस तरीके से लगाएंगे क्योंकि ये इसकी जो चारों तरफ हल्का हल्का लगाएंगे इस तरीके से। ये आप लोग देख सकते हैं, ये मैंने ग्लू लगा दिया इस तरीके से। तो और इसमें अब हम ये इसको चिपका देंगे। तो देख सकते हैं आप लोग, ये मैंने इस आगे जो कान के पास में होता है उसको भी चिपका दिया। अब ये मेरी ऑन ऑफ पता है, इसमें भी थोड़ा ग्लू लगाएंगे क्योंकि ग्लू छोड़ जाने के बाद में फिर अच्छे से चिपक नहीं पाता है, तभी के लिए। और ये हल्का इस तरीके से, 1 मिनट, ये इस तरीके से लगाएंगे क्योंकि अच्छे से चिपक जाए और अच्छे से वर्क करने लगे, ये इस तरीके से। और इसमें जो है हम इसको चपका देंगे। ये आप लोग देख सकते हैं अच्छे से जो चिपक गए हैं। अब इसमें जो पीछे है ये वाला हिस्सा, इसको भी हम इसी तरीके से चिपका देंगे ग्लू लगा करके। तो इसमें अब हम ग्लू लगाने जा रहे हैं। कृपया वीडियो को पूरा देखिए और तभी आप लोगों को समझ में आएगा, और लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। इस तरीके से ये, और इसको हम देख सकते हैं पूरा सेट बना हुआ, ये इस ऐसे ही, ये आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से इसको पूरा सेट करेंगे। ये रहा इस तरीके से, और 2 मिनट इसको सूख जाने देते हैं। ये मैंने सेट कर दिया। अब जो इसका जो पीछे का, सॉरी पीछे की जो पीसीबी होती है उसको यहाँ लगाएंगे। तो उसको लगाने के लिए, सॉरी इसका जो वाइब्रेशन वाला है वो लगाएंगे सबसे पहले। तो इसमें भी हम ग्लू लगा देंगे थोड़ा सा। ग्लू लगाने से जो चिपक अच्छा जाता है। तो ये मैंने ग्लू लगा करके इसको चिपका दिया। अब इसके जो चार्जिंग पीसीबी है प्लेट, वो लगाएंगे इस तरीके से। आप लोग देख सकते हैं ये मैंने चार्जिंग पीसीबी लगा दिया। अब इसमें जो बैटरी को हम सेट करेंगे, ये रही बैटरी। बैटरी को भी चिपका देंगे गुलों से क्योंकि ये हिल रही है, तो मोबाइल में आगे से कोई दिक्कत ना आए, जैसे ऑन ऑफ होना या ऑन ऑफ हो जाना। तो इसको भी हम चिपका देंगे ग्लू लगा करके। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं ये मैंने इसको भी बैठा लिया, और ये आगे का मदरबोर्ड भी, जो न्यू हड्डी थी हमारे पास उसमें भी सेट कर रहे हैं अभी। ये रिंग सॉरी जो फिंगर है उसको हम सेट कर रहे हैं। और इसमें भी एक बार ये टेप लगा हुआ है, इसको रिमूव करेंगे इस तरीके से। इसमें देख लेंगे कोई ग्लू तो नहीं लगा, या फिर हमारा
हमारा जो फोल्डर है वो दिक्कत ना करे, तो इस तरीके से ये। अब इसमें जो है हम फोल्डर एक बार फिर से चेक करेंगे लगा करके, देखेंगे अच्छे से सेट हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। ये मेरा मेरा फोल्डर, और इस तरीके से सबसे पहले आप लोग जब भी फोल्डर को सेट करें तो लगा करके पूरा चेक जरूर कर लें इस तरीके से। ये ऐसे सबसे पहले आप लोग जब भी फोल्डर को सेट करें तो पीछे वाला जो हिस्सा होता है उसी को ही सेट करें। तो इस तरीके से ये मदरबोर्ड जो है निकल गया था। ये वीडियो को पूरा देखिए आप लोग, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। ये आप लोग देख सकते हैं, इसमें जो है हम छोटा सा पेच जो है टाइट कर देंगे जिसमें मेरा मदरबोर्ड गिरे ना, ये रहा। और यहाँ पास हम पेंच को टाइट करेंगे। ये अब हम इसमें जो है बैटरी लगाएंगे, फोल्डर लग गया इस तरीके से। सॉरी ये टेक्नो की पड़ गई, ये रियलमी की इस तरीके से। और इसका जो पीछे का जो भी चार्जिंग वाला पट्टा है वो भी हम सेट करेंगे। यहाँ सेट हो गया। अब इसका जो हम ऑन खोलेंगे देखेंगे चार अच्छे से ऑन हो रहा है कि नहीं हो रहा, ये इस तरीके से। तो ये मेरा ऑन हो गया, ये देख लीजिए रियलमी की रियलमी लिखकर आ रहा है। बस इतना ही चेक करना था। अब इसको जो हम फिर से रिमूव कर लेंगे, अभी इसमें ग्लू लगाएंगे, ग्लू लगा करके तभी अच्छे से सेट कर पाएंगे। इस तरीके से रिमूव करेंगे। जब भी आप लोग फोल्डर को चेक करें तो सबसे पहले चेक करने के बाद में बैटरी को रिमूव करें, कृपया फोल्डर को रिमूव ना करें। फोल्डर को रिमूव करेंगे तो कुछ ना कुछ दिक्कत आ सकती है। तो ये जो फोल्डर के पीछे ये जो हमारी पन्नी लगी है पॉलिथीन, इसको रिमूव करेंगे सबसे पहले। ये रिमूव हो गई। अब आप लोग देख सकते हैं फोल्ड ये जो फोल्डर का पत्ता है इसमें भी पन्नी लगी हुई है, तो इसको रिमूव करेंगे। ये जो ग्राउंड टचिंग में काम देती है, तो हमारे पास ये पत्ती है उसी की मदद से इसको हम रिमूव करेंगे। कृपया करके जब भी आप लोग रिमूव करें तो बहुत आराम से रिमूव करें, ये पट्टा कटने ना पाए। पट्टा कट गया तो पूरा फोल्डर जो बेकार जाएगा। इस तरीके से रिमूव करें आस्ते आस्ते। ये देख सकते हैं रिमूव हो गया। ये अब ये जो फोल्डर का जो पत्ता है इसको हम इस तरीके से सेट करेंगे। ये देख सकते हैं पूरा सेट हो गया। इसका जो लोगो लगा हुआ है ये वाला, यहाँ साइड से भी हम इसको जो है हटा देंगे, क्योंकि इसी की जगह पर हमको ग्लू भी लगाना है। इस तरीके से आस्ते आस्ते हटाएंगे, और ज़्यादा जल्दबाजी आप लोग ना करें, जल्दबाजी में फोल्डर ये बेकार हो सकता है। ये इस तरीके से आराम आराम से इसको जो है वो करना, हटा लीजिएगा इस तरीके से। बस अब ये मेरा फोल्डर पूरा तैयार हो गया, और ये रही हमारी हड्डी। तो सबसे पहले हम हड्डी में ग्लू लगाएंगे, बहुत हल्का हल्का लगाएंगे इस तरीके से, चारों तरफ ग्लू हल्का हल्का लगाएंगे। तो चलिए ग्लू को हम लगा लेते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं ये मैंने हड्डी में ग्लू सेट कर लिया है इस तरीके से। ये देख सकते हैं ये मैंने जो हड्डी है उसमें ग्लू सेट कर लिया। अब इसका जो फोल्डर है ये कॉम्बो, इसमें भी हम बहुत हल्का हल्का सेट करेंगे, क्योंकि हल्का हल्का उसमें सेट करें। और ये जो इसका पीछे का फोल्डर का ये जो पत्ता है
ग्लू इसमें ना लगने पाए, आराम आराम से लगाना आप लोग। ग्लू इसमें लग गया तो कभी कभार हैंगिंग दिक्कत और अपने आप टच वर्क करने लगता है। इस तरीके से सेट करना आप लोग, ये आप लोग देख सकते हैं, बहुत हल्का हल्का लगाना ये। तो ये मेरा जो ग्लू है वो सेट हो चुका है। अब ये जो हड्डी है, अब इसमें हम फॉलर को सेट करेंगे इस तरीके से, आप लोग देख सकते हैं। और इसका जो चार्जिंग वाला पट्टा है वो भी इस तरीके से मासेंगे। सबसे पहले आप लोग जब भी सेट करें तो पीछे वाला जो हिस्सा है उसी को ही अच्छे से बैठा लें, कृपया करके। आगे का हिस्सा जो है वो पहले ना बैठा लें, क्योंकि पीछे का जब हमारा सेट हो जाएगा तो आगे का ऑटोमेटिक अपने आप अच्छे से आ जाएगा। इस तरीके से बैठा लें कृपया करके। ये आप लोग देख सकते हैं, ये पूरा का पूरा सेट हो चुका है इस तरीके से। और ये जो है पत्ता है ये इसमें लगा दिए इस तरीके से, पूरा इस तरीके से सेट कर लीजिएगा पत्ता को, जो फोल्डर का पत्ता है। अब ये हमारा सेट हो गया। और ये जो नेटवर्क वायर है इसको भी सेट कर लेंगे अच्छे से, कृपया सेट करें आराम से, जल्दबाजी ना करें। जल्दबाजी में जो फोल्डर टूटने की भी संभावना होती है, तो कृपया वीडियो को पूरा देखें आप लोग, तभी समझ में आएगा। इस तरीके से सेट करें, ये आप लोग देख सकते हैं ये सेट हो गया। अब ये जो बैटरी है हमारी, इसको भी इसी में सेट करेंगे। और बैटरी का जो ये पत्ता है ये उसमें भी सेट कर देंगे ये। अब इसमें हम जो इसके पेंच लगे हुए हैं पूरे के पूरे वो सेट करेंगे ऐसे। सबसे पहले हम पेंच को सेट करते हैं। अब ये जो रिंगर डिब्बी है इसको हम बैठा देंगे इस तरीके से। ये नेटवर्क वायर है उसको दाब के, ये रही हमारी रिंगर डिब्बी, देख लीजिए पूरी की पूरी जो है सेट हो गई है ऐसे। ये पूरी सेट हो गई है। अब इसमें हम पेंच टाइट करेंगे इस तरीके से। कृपया पेंच जब भी टाइट करें तो फुल टाइट करें। तो रिंगर डिब्बी के मैंने जो पेंच थे वो टाइट कर दिए, अभी भी एक पेंच टाइट करने को बचा है इसमें इस तरीके से। आप लोग देख सकते हैं ये रिंगर डिब्बी के पेंच टाइट हो गए। अब मदरबोर्ड के जो पेंच थे उसको हम टाइट करेंगे। तो सबसे पहले इसके पीछे का जो पैनल है छोटा सा ब्लैक, उसको हम सेट करेंगे। तो ये मैंने पहले से एक पेंच लगाया था, उसको रिमूव कर रहे हैं इस तरीके से। ये मैंने रिमूव कर दिया। अब इसमें हम पूरे के पूरे पेंच जैसे टाइट थे उसी तरीके से सेट करेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं ये पूरा सेट हो चुका है। इसका आन हम खोलेंगे, पूरा सेट होने के बाद में एक बार आन जरूर खोलें। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पास रियलमी लिख करके आ गया, और ये लोगो भी एंड्रॉयड का बनकर आ गया, देख सकते हैं। तो इसको हम पहले आन पूरा खुल जाने देते हैं। तो आन खुल रहा है, तब तक के लिए इसका पीछे का बैक पैनल है उसको हम सेट कर लेते हैं इस तरीके से। ये पीछे का बैक पैनल जो है सेट हो चुका है, देख सकते हैं आप लोग। ये पीछे का बैक पैनल सेट हो गया। इसका टच फिर से वो करेंगे, फिर से चेक कर लेंगे। ये देख अच्छे से वर्क कर रहा है मेरा। इसको हम चार्जिंग पर लगा करके भी चेक कर लेंगे। ये देख सकते हैं चार्जिंग भी जल गई है। 1 मिनट चार्जर हम रिमूव कर रहे हैं, देख लीजिए जल गए। और चार्जर को जैसे ही हम लगाएंगे वैसे ही ये जल जाएगी,
धन्यवाद, वीडियो को पूरा देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। भी जब आप लोग सब्सक्राइब करेंगे तभी नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर जाएगा। धन्यवाद, वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका दिन शुभ रहे।